क्या आपको पता है कि 80% से ज्यादा हार्ट अटैक बाथरूम में या टॉयलेट के अंदर ही क्यों आते हैं? क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि ज्यादातर हार्ट अटैक होने का जो कारण होता है वो बाथरूम में जाना? मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि मैं लोगों के सामने इस चीज के ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूं कि आखिर में 80% से ज्यादा हार्ट अटैक टॉयलेट के अंदर ही क्यों आते हैं, बाथरूम के अंदर ही क्यों आते हैं। देखिए, अगर आपको ये जानकारी पता है कि क्यों आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं पता है तो ऐसे लोग इस जानकारी को जरूर देख लें, पूरा देख लें, ताकि भविष्य में वो ऐसी कौन सी गलती है जिस गलती के करने की वजह से बाथरूम के अंदर ही 80% से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। तो इस विषय पर पूरा विश्लेषण जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। दोस्तों, यहां पे आज मैं बात करने वाला हूं कि मोस्टली जो हार्ट अटैक होते हैं, मोस्टली हार्ट अटैक होने का जो कारण है वो बाथरूम होता है, टॉयलेट ही क्यों होता है। यहां पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि उसके पीछे कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से, और वो कौन सी ऐसी गलती है जो गलती वो हर इंसान करता है जिसको इंसान को नहीं करनी चाहिए, उस गलती की वजह से ही उसको हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ता है, वो भी बाथरूम के अंदर जाके। सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं ऐसी कोई ऐसी गलती करूं जिसकी वजह से मुझे इस चीज का शिकार होना पड़े या मुझे इस चीज को अपनी लाइफ में फेस करना पड़े और कई महीनों तक मुझे बिस्तर पर ही गुजारने पड़े, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आज मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा कारण है इसके पीछे। सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो कारण बताऊंगा कि वो कौन सा कारण है जो अक्सर हर व्यक्ति, वो ऐसी कौन सी गलती है जो अक्सर हर व्यक्ति करता है लेकिन जिनके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा है, जिनका स्टेमिना अच्छा है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है, वो लोग इससे बच के निकल जाते हैं। लेकिन जिनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिनके शरीर में पहले से कोई ना कोई रोग घर घर के बैठा हुआ है, या जिनके अंदर खून नहीं बनता है, जिनका ब्लड फ्लो काफी अच्छा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोग ही अक्सर उस चीज का शिकार हो जाते हैं। गलतियां सब करते हैं लेकिन शिकार कुछ लोगों को होना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी शिकार ना हो उसके पीछे आज मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको नहीं करना है टॉयलेट में जाके। देखिए दोस्तों, जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, खास करके मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं, उन लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो लोग इंडियन टॉयलेट में जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, इंडियन जो अपनी देसी टॉयलेट होती है। खास करके जब भी आप टॉयलेट करने के लिए जाएं, यानी कि पोटी करने के लिए जाएं, तो वहां पर जैसे ही आप बैठते हैं, बैठने के बाद कभी भी जोर लगा के टॉयलेट ना करें, कभी भी जोर लगा के पोटी ना करें। यहां पे मैं आपको एक ऐसा जो एक्चुअल जो रीजन है इसके पीछे, हार्ट अटैक बाथरूम में जो आता है लोगों को, उसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो इसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट में खास करके जो इंडियन सीट पे बैठते हैं उसके ऊपर बैठने के बाद अगर किसी का अगर पेट काफी अच्छा है, किसी का हजमा काफी अच्छा है तो उसको तो फटाक से हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको बिना जोर लगाए उनकी पोटी नहीं निकलती है। तो यहां पर मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, जब भी आप टॉयलेट में जाएं तो कभी भी जोर ना लगाएं। और जैसे हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने के बाद उसका जो दबाव है वो हमारी धमनियों के ऊपर पड़ जाता है, और धमनियों के ऊपर जब उसका दबाव पड़ता है तो ऐसे में ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन, इस वाले हिस्से में जो ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है। और कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनका जो ब्लड फ्लो वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो इस सिचुएशन की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। यही वो गलती है जो अक्सर हर व्यक्ति करता है, हर वो व्यक्ति करता है जो इससे अनजान है। तो यहां पे मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था, इतना ही टारगेट था कि ऐसे लोग जो बार बार ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, जिनको ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे लोग अवेयर हो जाए, ऐसे लोगों को पता चल जाए और वो दोबारा से ऐसी गलती ना करें। इसके अलावा एक रीजन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं
देखिए बाथरूम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा नॉर्मल होता है, यानी कि वो बाथरूम का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। तो ऐसे में जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम, देखिए यहाँ पे मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग एकदम से पसीने के अंदर नहाना शुरू कर देते हैं, या फिर जिनकी बॉडी एकदम गर्म है ऐसे में अगर वो नहाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे लोगों को भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही वो ठंडा पानी अपने शरीर के ऊपर डालते हैं, ठंडा पानी जैसे शरीर के ऊपर डालते हैं तो सेम सिचुएशन वहां पे भी क्रिएट होती है। ऐसे में उसका असर सीधा उसकी धमनियों पे पड़ता है, और धमनियों पे असर पड़ता है तो खून का प्रवाह कम हो जाता है, खून का प्रवाह कम होता है तो उसमें हार्ट अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसी ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि ऐसी गलतियां ना करें। देखिए या तो आपका खान पान सही है, आज के टाइम पे जो खान पान हम करते हैं, खान पान भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हेल्दी खाना हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, दूध घी का सेवन हम बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके अलावा किस चीज़ का हम ज़्यादा सेवन करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर लिया, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर लिया, और इसके अलावा ऐसी बाहर में जो सड़क पर मिलने वाली चीज़ें हैं, रोड पे किनारे जो रेडी लगा के बैठते हैं, उन वो सामान हमने ज्यादा खा लिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करना हमारे शरीर में जाके हमारे लिए हानिकारक साबित होता है और हमारे लिए अनेक तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। हार्ट अटैक आने के जो दो मुख्य कारण थे वो आज मैंने आपको बता दिए। अगर आप भी ये गलतियां हर रोज करते हैं, हर रोज रिपीट करते हैं, तो प्लीज आज से आप अवेयर हो जाएं, आज से आप ठान लें, एक नियम बना लें कि मैं ऐसी गलती दोबारा से कभी नहीं करूंगा। अगर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तो 90% तक चांसेस रुक जाते हैं कि आपको कभी भी आपकी धमनियों के ऊपर कोई भी प्रेशर बने, कोई दबाव बने, और आपके ब्लड फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम आए और आपको हार्ट अटैक आए। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। गुरुजी आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो की ताज़ा अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।